और ये आरिफ भाई हैं। आरिफ भाई अब मेरे साथ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा यहाँ का गांव दिखाएंगे। मैं पहुंच गया कोटा। रात के 8 बज चुके हैं अभी, 8 से 8 12 घंटे हो गए। मैं 8 बजे निकला था सुबह। ये लो भाई, आपके भाई ने गाड़ी खींच दी 235 किलोमीटर गुड़गांव के बाद। मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ा था और अब मैं पहुंच गया हूं दौसा डिस्ट्रिक्ट में। लालसोट जगह है ये दौसा में, और यहां से होते हुए माधवपुर आएगा बीच में, और माधवपुर से होते हुए फिर मैं पहुंच जाऊंगा कोटा। राजस्थान में दोनों तरफ खेत हैं, गर्मी नहीं है, मौसम बढ़िया है, ठंड का मौसम हो रहा है, लेकिन अभी ठंड नहीं है क्योंकि धूप निकल गई है और मैं हूं गाड़ी में। आज सुबह स्टार्ट किया, अभी आज रात में रुकना है कोटा, फिर कल रात में रुकना चित्तौड़गढ़, फिर परसों रुकना उदयपुर। चलो ठीक है, कहाँ है दुकान? आगे चलो। तो अब आगे चाय पियेंगे बाईपास पे। यहाँ लगा दी बाइक, इसलिए मैंने भी गाड़ी लगा दी। अब यहाँ चाय पियेंगे और फिर करेंगे आगे का सफर तय। ये आ गया मैं अभी सवाई माधोपुर। मैं आ रहा था, भाई मिले मुझे बाइक पे, मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। भाई ने बोला चाय पीते हैं। ये आप बता रहे थे अभी कि पहली विधानसभा, हाँ, राजस्थान की पहली विधानसभा जो निर्वाचित यहाँ से, हाँ, हमारे यहाँ से टीकाराम जी उस समय चुनाव लड़े थे महुआ से और मलाना चोड़ से। अच्छा, हाँ, तो वो यहाँ से जीत के गए थे। हाँ, और यहाँ से जीतने के बाद में वो पहला सीएम टीकाराम जी, हाँ, जो मलाना चोड़ विधानसभा हुआ करती थी। हाँ, हाँ, और यहाँ से जीत के वो पहला निर्वाचित सीएम बने थे। कब की बात है ये? ये 52 के समय, 52-53 में चुनाव हुए थे, 1952-53। हाँ, पहले सीएम बने थे, पहले सीएम बने थे यहाँ से। ये वो गांव है, ये और इसको तालाबों की नगरी बोलते हैं, और इस जगह को, हाँ, इस जगह को। अच्छा, और दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवी विराजमान है, सारे मंदिर हैं, सबके सारे मंदिर हैं, हाँ, और सब समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर। राजस्थान तो मैंने पहले भी घूमा है बहुत, तो मेरे को तो सब चीज़ों में बढ़िया लगा राजस्थान। अच्छा है, वहाँ के लोग हों, खाना हो। आप इस गाँव की बसावट देखोगे ना, हाँ, तो इस गाँव के चारों तरफ तालाब है। अच्छा, चारों तरफ बीच में ये गांव है, तो पानी की दिक्कत नहीं है यहाँ पे? पानी की तो बिल्कुल दिक्कत नहीं, नहीं है, बिल्कुल। हरियाणा है एक तरह, अभी देखो नहर चल रही है। यहाँ देख रहा था मैं इधर, नहर चल रही है, तालाब वगैरह था यहाँ पे भी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार मीणा मेरा नाम है। दीपक, वैसे दीपक रंगीला बोलते हैं। दीपक रंगीला, दीपक रंगीला क्यों बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। चाय बढ़िया बनती है यहाँ पे? बिल्कुल, चाय वाइज सब चीजें बढ़िया बनाएंगे भैया, दूध में बनाना और भी बढ़िया वाली, पानी मत करना बिल्कुल। हाँ, पानी मत करना भाई साहब, बहुत प्यारा लगा हकीकत में। आप रुके, हमको भी नहीं, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा, सही है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मतलब जिस तरह से आपने चाय के लिए बोला ना, देखो बाहर से लोग आते हैं तो हमारे लिए तो अतिथि है, आप हमारे लिए तो अतिथि है। दीपक भाई ने चाय पिलाई अभी सवाई माधोपुर में, मलारना चोड़ गाँव में। और ये आरिफ भाई हैं, आरिफ भाई अब मेरे साथ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा यहाँ का गाँव दिखाएंगे। और यहाँ पे अमरूद के बाग है, माधोपुर जो है ये समाई माधोपुर, ये अमरूदों के लिए फेमस है। और यहाँ से अमरूद सब जगह जाते हैं ना, पूरे इंडिया में इतने ज्यादा अमरूद होते हैं यहाँ पे। अरे पूरा, अभी तुम आगे जाओगे ना, पूरे बाग ही बाग दिखेंगे। ओ भाई साहब, अमरूद के, और अमरूद लगे हुए हैं अभी, अमरूद लगे हुए और मीठे होते हैं अमरूद, लाल वाले एक होते हैं अमरूद, वो भी मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे। यही रोकना है, ये सामने है अमरूद की, ये दुकान है क्या है एक तरह के? अच्छा, यहाँ से पैक होके पिकअप में जाएंगे अमरूद, और ये बाग से आ रहे हैं टूट के, ये दिल्ली जाएंगे। दिल्ली, वही तो आ रहे हैं भाई हम दिल्ली से ही, तो यही वाले अमरूद मिलते हैं हमें वहाँ। लेकिन ये कि ये वहाँ आते हैं तो थोड़े पुराने हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है। ये अभी टूट के आ रहे हैं फ्रेश, आपके पास आते आते 3-4 दिन हो जाते हैं, लेकिन आज ये पकड़ में आ गए पहले दिन। ये देखो आप कितने प्यार से, ठंड का मौसम है इसलिए इन्हें कपड़े वगैरह बना के ताकि ठंड ना लगे, फिर इन्हें यहाँ पे सेट किया गया है पेटियों में। और ये देखो अमरूद बिल्कुल बाग से टूट के
मीठे अमरूद हरे हरे, ये भाई पैकिंग कर रहे हैं, ये देखो ये खाएंगे। सही में यार बहुत मीठा है तो, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा आया था बेबी बगीचों से, अभी आज ही आया, बिल्कुल अभी अभी तो आए, बिल्कुल अभी भी आए हैं ये अमरूद। चार दिन हो जाते हैं। तो आपके अपने बाग है अमरूद के? नहीं मैं खरीदता हूँ। खरीदता है आप बाग से खरीदते हैं? हाँ। और फिर यहाँ पे लाके आप सेल कर रहे हैं। भाई ने 2 किलो अमरूद दिए रास्ते के लिए, ये काम आएंगे, इसे खाएंगे, अगले 3-4 दिन तक चलेंगे आराम से। अभी यहाँ से अमरूद दिलवाए आरिफ भाई ने, बिल्कुल फ्रेश बगीचे वाले, और अब मेरे को ले जा रहे हैं वो गाँव घुमाने के लिए। एक बार गाँव का नाम बता दो यार। मैं मलारना चौड़। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है ना, मलारना चौड़। हाँ ये गांव शुरू हो गया है। हाँ ये गांव ही है। जो मजा गांव में है ना वो शहरों में नहीं है। शहरों में नहीं है। ये देखो ये भैंस, यहाँ पे भैंस का दूध हम लेते हैं, पैकेटों का दूध यहाँ मिलता है, फ्रेश मिलता है बिना मिलावट के। ये आ गए हम अब गांव की मार्केट में। ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट चल रहा है अभी राजस्थान में, और इसके बाद आएगा कोटा। शाम अभी हुई नहीं है लेकिन सर्दी का मौसम है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है। और ये हाईवे है, गाड़ियाँ बड़ी कम है, ये अच्छी बात है, और सड़क अच्छी है। सरसों के खेत हैं यहाँ पे दोनों तरफ ना। कोटा अभी यहाँ से 142 किलोमीटर है और 7 बजे का टाइम दिखा रहा है यहाँ से। पीछे मैंने ब्रेक लिया था अभी सवाई माधोपुर के मैनपुरा गांव में। ये भाई मेरे को देख रहे थे के पास में। कि मैं क्या कर रहा हूँ पहाड़ी के पास में। ये पीछे पहाड़ी है जो पेड़ से भी ढक रही है, मैं दिखा दूंगा बाद में। ये मैनपुरा पहाड़ी है और ये भाई थे यहाँ पे, भाई देख रहे थे मैं कर क्या रहा हूँ कैमरे पे। तो भाई आए मेरे पास, फिर मैंने बताया इन्हें कि ऐसे ऐसे मैं निकला हूँ रोड ट्रिप पे। तो भाई मैं सुबह निकला था दिल्ली से, अब कोटा में करूँगा स्टे आज। ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भी स्टॉप लिया है सवाई माधोपुर से चलने के बाद। 4:15 बजे वहाँ पे चला था, देन 2 घंटे के बाद यहाँ पे ब्रेक लिया चाय वगैरह पीने के लिए। और यहाँ से अब कोटा 60 किलोमीटर रह गया है, लगभग 1.25 घंटा या 1.5 घंटा और लगने वाला है। ये है बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में और कोटा अभी भी यहाँ से 46 किलोमीटर दिखा रहा है। सुबह निकला था मैं 8 बजे, फिर उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे लिया, देन दौसा डिस्ट्रिक्ट आया वहाँ पे ब्रेक लिया चाय वगैरह पी, देन माधोपुर आया वहाँ पे लंच किया, फिर माधोपुर से निकले ये अभी बूंदी डिस्ट्रिक्ट आया। अभी रुका था मैं थोड़ी देर पहले चाय पीने के लिए और अब यहाँ से कोटा। कोटा आज की लास्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे स्टे करना है रात में, फिर कल का देखते हैं प्लान जो भी होगा कोटा में, कल क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है या फिर कब कहाँ पे आगे निकलना है। ये सड़क है NH 148 नेशनल हाईवे, लाइट नहीं है यहाँ पे बस, बाकी सब तो ठीक है, इसलिए अंधेरा है, दोनों तरफ पेड़ है घने घने। 1 घंटे की ड्राइव लगभग और है 55 मिनट की, देन कोटा पहुँच जाएंगे और फिर आज आराम करेंगे। आज अभी पहला दिन है भारत माला ट्रिप का, पूरे इंडिया को कवर करना है, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो आज पहला दिन है और फाइनली मैं पहुँच गया कोटा। रात के 8 बज चुके हैं अभी, 8 से 8, 12 घंटे हो गए। मैं 8 बजे निकला था सुबह और बहुत जगह मैं आराम आराम से रुकता हुआ आया, इसलिए इतना टाइम लगा आने में। कोटा में यार बहुत लाइट है, बिल्कुल शहर जगमगा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, ये देखो आप, ये अभी ब्रिज है, इसके ऊपर से जा रही है गाड़ी और यहाँ थोड़ा ट्रैफिक भी है। इसको रिवर फ्रंट बोलते हैं कोटा में ना, इसको रिवर फ्रंट बोलते हैं। और ये नदी जा रही है नीचे, उसके ऊपर ये ब्रिज है। और ये जगह है जहाँ पे एलन इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे नीट की कोचिंग होती है, लैंडमार्क बोलते हैं इसको। पुनाड़ी के अंदर आती है ये जगह लैंडमार्क, यहाँ पे नीट की कोचिंग होती है और महावीर नगर में नीट और IIT दोनों की होती है। दो साल हो गए और आप लोग? मेरा फर्स्ट है, मैं MP से रतलाम। आप MP से हैं जी? यहाँ पे कब आए थे आप? इसी साल आए हूँ।
इस बार अभी 2023 में है 2023 बहुत बेस्ट लगा है कहीं ना कहीं माहौल भी बहुत अच्छा है फैकल्टी वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और आप कहाँ से आए हैं मैं एमपी रतलाम पाँच मई को कंफर्म कर लेना कहीं अरे नहीं संडे पाँच को है पाँच मई को नहीं सबसे पहली बात है कि यहाँ के जो टीचर है ना काफ़ी कोऑपरेटिव है ऐसा कहीं नहीं है पूरे इंडिया अच्छा जी बिल्कुल पूरी हेल्प करते हैं पूरी एकदम पेरेंट्स की तरह आप लोग जब रह रहे हैं तो खाना वगैरह कोई दिक्कत होगी कोई दिक्कत नहीं है और पूरे इंडिया से बच्चा आता है यहाँ और काफ़ी ज़बरदस्त माहौल है यहाँ हर चीज़ मतलब सही है मतलब रहने सहने खाने पढ़ाई उढ़ाई लेकर हर सर चीज़ सही है यहाँ कोई दिक्कत नहीं है खाने के लिए अच्छा काफ़ी बेस्ट जगह है नीट और जेई के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं बिल्कुल कोटा मौका मिले तो ज़रूर आइए कोटा की जैसी चीज़ कहीं मौका आप इन्हें भी दो बोलने आप लोग हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल में खाना वगैरह वही पे हाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब 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 कितना आता है रहने का खर्चा 15,000 महीना और कोचिंग का 1.5 लाख और 1.5 लाख के फिर उसके बाद जो आपकी स्कॉलरशिप वगैरह जैसे नीट के एग्जाम्स पे मार्क्स आते हैं उस हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन जैसे किसी बच्चे को यहाँ पर रहना हो और कोचिंग लेनी हो तो टोटल खर्चा कितना 3 लाख मैं गुजर रहा था एरन इंस्टीट्यूट के सामने से होके तो मुझे एक शॉप दिखी लिट्टी चोखा की मैं ये खाने के लिए रुका फिर यहाँ पे मुझे भाई लोग मिले जो एलन में कोचिंग लेते हैं नीट की क्या नाम है आपका नीतीश कुमार मैं बिहार से हूँ अच्छा और आपका अंकेश कुमार बिहार से रितेश राज और आपका रजनीश कुमार आप सभी लोग बिहार से हैं हाँ। तो आप पहले से दोस्त थे या यहाँ पे आके नहीं हम सभी एक जगह ही रहते हैं तो वहाँ पे हम सभी दोस्त ही बन गए आपस में तो यहाँ पे आने के बाद हाँ एक ही पीजी हॉस्टल हाँ एक ही पीजी में रहते हैं तो यहाँ पे कैसा लगता है अच्छा लगता है और बस यही है कि यहाँ पे पढ़ने के लिए है और बाकी पढ़ते हैं और बाकी सभी भी चीज़ होती है यहाँ कभी कभी बोरिंग फील होता है हाँ बहुत बोरिंग फील होता है कितने टाइम में जाते हैं घर घर 6 महीने पे 7 महीने 1 साल पे इतने लंबे गैप के बाद हाँ क्यों छुट्टी नहीं रहती है ना छुट्टी कब मिलती है छुट्टी सिर्फ एक ही टाइम मिलती है दिवाली टाइम दिवाली का टाइम बस दिवाली का टाइम 1 वीक की ऑफ मिलती है तो उसमें जा पाते हैं घर आप बताओ कुछ क्या अभी क्लास 11th में हूँ अब 12th में जाने वाला हूँ अरे आप तो बहुत छोटे हैं अभी हाँ लेकिन आप 12th में भी आएंगे तो आप तो 2025 में देंगे सर हाँ 25 में लेकिन तैयारी पहले से कर रहे हैं हाँ अंकल का भी रिव्यू लीजिए पानी पनीर दे रहे हैं या शाही पनीर ये अंकल हाँ ये अंकल जी क्या क्या खिलाते हैं आप यहाँ पे एक तो हो गया लिट्टी चोखा देख लिया मैंने ये बन रही है आप पका रहे ना पूरा कच्चा मत दीजिएगा बिल्कुल नहीं है ना बिल्कुल रामेश्वर पटेल रामेश्वर पटेल रामेश्वर पटेल कहाँ से हैं बिहार से हूँ और क्या बनाते हैं आप लिट्टी चोखा के अलावा लिट्टी के अलावा चौमिन बनता है सर चौमिन ही बनाते हैं आप चौमिन भी बनता है खिलाएंगे मेरे को हाँ खिलाएंगे सर बनाइए एक प्लेट ना देखा